सनातन धर्म के ऋषि कहते हैं 25 वर्ष की अवस्था में जो विवाह किया जाता है उसे सामान्य अवस्था का विवाह कहा जाता है, साधारण अवस्था का विवाह। 36 वर्ष की अवस्था तक जो विवाह किया जाता है उसे मध्यम अवस्था का विवाह कहा जाता है, और 48 वर्ष की अवस्था तक जो विवाह किया जाता है, 36 और 48 साल की अवस्था में जो विवाह किया जाता है, गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया जाता है, वो आदित्य अवस्था का होता है। विवाह की सबसे उत्तम आयु ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने 44 और 48 वर्ष के मध्य की मानी है। आज तो 48 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता 40 साल के बाद में। वैदिक ऋषियों के अनुसार, वेद के अनुसार मनुष्य की कम से कम आयु 120 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम, जिसमें 16 वर्ष तक कुमार अवस्था होती है। आयुर्वेद के को 16 वर्ष की अवस्था कुमार अवस्था होती है, 16 से 20 वर्ष की अवस्था लड़कपन की अवस्था होती है, आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, और 20 वर्ष से 70 वर्ष तक की अवस्था युवावस्था होती है। 48 वर्ष पूर्ण युवावस्था का समय होता है, और तब तक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार चुका होता है। 70 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष की अवस्था तक का समय बुढ़ापे का समय होता है, और 90 से 120 वर्ष की अवस्था तक का समय जरावस्था का समय होता है, और इसके बाद भी यह विधान आता है कि व्यक्ति 400 वर्ष की आयु तक जी सकता है। 120 वर्ष की आयु तो कम से कम थी प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में, उससे अधिक 400 वर्ष तक, हजार वर्ष तक के उदाहरण मिलते हैं कि इतने इतने वर्षों के लोग जीवित रहते थे। उसका कारण था तपस्या करते थे, संयमित जीवन था। तो भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी से, विवाह होकर के घर पर आए, सुहाग रात के दिन देवी रुक्मणी से, योगराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी एक इच्छा है मेरी। उस देवी रुक्मणी ने विवाह के समय संकल्प किया था कि मेरे पति की जो इच्छा होगी वो मेरी इच्छा होगी, मेरे पति के जो संकल्प होंगे वो मेरे संकल्प होंगे। भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में विवाह के समय सत्संकल्प किए जाते हैं। देवी रुक्मणी कहती है, पतिदेव आपका संकल्प मेरा संकल्प, आपकी इच्छा मेरी इच्छा, आप आदेश तो करो। योगराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, सनातन धर्म के ऋषियों की व्यवस्था के अनुसार मैंने संकल्प किया था कि मैं 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं 48 वर्ष की अवस्था में विवाह करूंगा, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे तुम्हारे साथ 36 वर्ष की अवस्था में ही, अर्थात मेरे संकल्प किए समय से 12 वर्ष पहले ही तुमसे परिणय बंधन में बंधना पड़ा। मेरी इच्छा है, क्योंकि मैंने संकल्प किया हुआ है 12 वर्ष तक मैं और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करूं। देवी रुक्मणी कहती है, तथास्तु जैसी आपकी इच्छा। और महाभारत में उल्लेख आता है 12 वर्ष तक दोनों पति और पत्नी ने, भगवान श्री कृष्ण और उनकी धर्मपत्नी देवी रुक्मणी ने, बद्रीनाथ में, जहां आज बद्रीनाथ धाम है, 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका उल्लेख करते हैं, ब्रह्मचर्यम महद घोरम, मैंने 12 वर्ष तक तपस्या की है, और 12 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद जो पुत्र पैदा किया उसका नाम रखा मनुष्य
दिव्य कैसे बने, मनुष्य अच्छा कैसे बने, मनुष्य का निर्माण किन किन स्थलों पर होता है। मनुष्य के निर्माण के चार स्थल होते हैं। गर्भावस्था में आने से पहले तो तैयारी शुरू हो ही जाती है, परंतु गर्भ में आने से लेकर के मनुष्य के बालक के निर्माण के चार स्थान होते हैं। चार स्थानों में मनुष्य के बालक का निर्माण होता है, तब वो बालक आगे चल करके दिव्य बनता है, राष्ट्र का अच्छा योग्य उत्तम नागरिक बनता है। बालक का पहला निर्माण स्थल है गर्भ, माता का गर्भ पहला निर्माण स्थल है। दूसरा निर्माण स्थल है माता और पिता की गोद। तीसरा निर्माण स्थल है शिक्षा स्थल, आचार्य कुल, अध्यापक, विद्यालय। और चौथा दिव्य बालक के निर्माण का स्थल है समाज, संगति। यदि इन चार स्थलों में बालक का निर्माण ठीक ठीक हो गया, गर्भ में आने से पहले तैयारी ठीक ढंग से की गई है, उचित रीति से की गई है, अच्छी संतान का आह्वान किया गया है, दिव्य आत्मा का आह्वान किया गया है, जिसे प्राचीन संस्कृति में गर्भाधान संस्कार से भी पहले जो संस्कार होता था उसे आधान संस्कार कहते थे, उसके बाद संतान गर्भ में आती है। गर्भ में आने के बाद माता पिता की गोद में उसको पाला जाता है, उसको लोरी दी जाती है, उसके बाद उसको गुरु के पास, गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में या अध्यापक के पास भेजा जाता है, शिक्षालय में, विद्यालय में प्रविष्ट करवाया जाता है। और उसके बाद जो स्थान है समाज, समाज कैसा है, उसको संगति कैसी मिल रही है, अच्छी संगति मिल रही है या गलत संगति मिल रही है, वो भी बालक के निर्माण का एक स्थान है। गर्भावस्था से लेकर के जन्म पर्यंत तीन संस्कार हो जाते हैं, आधान संस्कार के बाद गर्भाधान संस्कार। जब बालक गर्भ में आता है उस समय का सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ गर्भाधान से होता है, और गर्भ से बाहर आने से पहले दो और भी संस्कार गर्भाधान के बाद हो चुके होते हैं, जिसे कहते हैं पुंसवनम और श्रीमंतोनयन। जब बालक पैदा होता है तब जातकर्म संस्कार होता है। इस तरह से गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों का विधान वैदिक ऋषियों ने किया है, गृह सूत्रों में किया है। यदि हम समाज में दिव्य नागरिक पैदा करना चाहते हैं तो वैदिक ऋषियों की बनाई हुई संस्कारों की प्रक्रिया को अपने जीवन में ढालना होगा। पर आज संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं। गर्भाधान संस्कार को तो मजाक मान लिया गया है, गर्भाधान संस्कार तो कोई करता ही नहीं है, कोई भूल भटक करके कोई व्यक्ति करता हो जो ज्यादा संस्कारी हो वो। आज तो खेल खेल में बच्चे पैदा हो रहे, अनइनवाइटेड गेस्ट्स, बिना बुलाए अतिथि बच्चे खेल खेल में पैदा हो रहे हैं। अच्छी संतान का निर्माण कैसे होगा, अच्छे नागरिकों का निर्माण कैसे होगा? कौन पुंसवनम संस्कार करता है? गर्भावस्था के 2 महीने के बाद पुंसवनम होता है, गर्भावस्था के 6ठे महीने में या 8वें महीने में श्रीमंतोनयन संस्कार होता है, और जब बालक पैदा होता है तब जातकर्म संस्कार होता है, उसके बाद अन्यान्य संस्कार होते हैं। ये संस्कारों का एक अलग विषय है, इस पर कभी समय आने पर प्रकाश डाला जाएगा। अभी तो हम मोटी मोटी संस्कारों की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं।